हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज व्लॉग थोड़ा सा लेट बनने जा रहा है क्योंकि आज आयशा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। पता नहीं, कल स्कूल में एनुअल डे था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और परफॉर्मेंस भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छी दी थी। ये देखिए, यहाँ पर रुक्सी भी सो रही है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। पता नहीं क्या हो गया रात को, मतलब एनुअल डे का जो फूड था ना स्कूल की तरफ से मिलता है, वो आयशा ने खाया और आके उसने कुछ नहीं खाया। मुझे बोली कि एक ब्रेड दे दो, मैंने एक ब्रेड स्लाइस दे दिया, वही खाया। उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया। पूरी रात बच्चे के पेट में दर्द होती रही है। पूरी रात वो कहती रही है मेरे पेट में दर्द हो रही है। यार, पिछली बार भी जब एनुअल डे पे गए, पिछली बार जब इनके स्कूल में फंक्शन था ना, वहाँ पे लेके गए थे, सिटी सेंटर लेके गए थे, और वहाँ पे भी कुछ एक पैकेट दिया था स्कूल वालों ने, वो खा के भी आयशा को प्रॉब्लम हो गई थी। रात को तो फूड पॉइजनिंग ऐसी हो गई थी, उसे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, बच्चे का फेस ही उतर गया यार। मतलब क्या क्यों ऐसे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी सेफ्टीज होती हैं खाने पीने को लेके, हर चीज़ वो देते भी कुछ ऐसा नहीं है। एक पिज़्ज़ा स्लाइस दिया था, ब्रेड क्रोसिन था और एक जूस था, आयशा ने बोला कुछ ऐसे था। तो पता नहीं किस चीज़ में क्या हुआ उसको, कौन सी चीज़ से फूड पॉइजनिंग हुई है। स्टमक जो उसकी पेन होती रही पूरी रात। तो आज उसकी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने कैसे तैसे भेज दिया, बट मैंने बोला कि कुछ खाना नहीं वहाँ पे क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो फिर क्या ही है ना बच्चा खाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, वैसे होती है ना कुछ चीज़। ये देखिए आयशा ने बनाई है, कितनी प्यारी। ये देखो, एक पेपर यहाँ पे लेके, एक यहाँ लगा के, साइडों पे पूरे टेप लगा के, उसके अंदर कॉटन भर के। देखिए क्या बताया, बनाते हैं ना बच्चे भी अपनी मर्जी चीज़ें बनाते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और हमारी रोक्सी बेचारी रात को इसको देखती रहती है कि क्या है, को सो कैसे रही है। देखो आके कहाँ घुस। मैं आ गई हूँ किचन में, मेरा दिल कर रहा है एक ब्रेड का स्लाइस लगा के खाऊं, उस पर बटर लगा के, बटर नहीं वो लगा के खाऊं, क्या कहते हैं, पीनट बटर लगा के खाऊं। तो निकालते हैं ब्रेड से। हमारे ना किचन में ना शीट कम है, ये तो चलो धोने वाले बर्तन हैं, यहाँ पे शीट इतनी ज़्यादा नहीं है। ये मैंने तवा रखा है, गर्म था, तो सारे जो बर्तन हैं ना वो यहीं पे ही सेट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी इधर कबर्ड बने हुए हैं, ऐसे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे रोटी बनाने वाला है, ज़्यादा बड़ी शीट नहीं है ना, तो रोटी इसके ऊपर, मतलब गैस है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैस है, इस पर रोटी मतलब डाल देते हैं। बनाने की जगह भी कम है रोटी की, तो चल जाता है यार। चलो एक ब्रेड पीस निकालते हैं फिर। ये देखिए यहाँ पे कैसी ब्रेड आती है। मुझे यहाँ की ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे इंडिया की ब्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इंडिया की जो ब्रेड है ना वो बहुत वो होती है यार, उस पर बटर बटर लगता ही नहीं है, वो लगाने लगो तो पूरी मतलब सूखी सूखी हो जाती है, वो फटने लगती है, टूटने लगती है ब्रेड, वो सही से निकलती नहीं। तो जब हम, आप हंसोगे, जब हम लोग इंडिया जाते हैं ना, तो मैं यहाँ से एक दो दो ब्रेडें जो होती है ना, मैं साथ में लेके जाती हूँ आयशा के लिए। तो जितना दिन निकलते हैं आयशा वो खाती है, मतलब 5-6 दिन की तो होती है ना, तो 5-6 दिन तो मतलब निकलते हैं तो आयशा वही खाती है, वो इंडिया की ब्रेड नहीं खाती, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोगों के मैं ट्रीटमेंट करती हूँ हेयर फॉल का, मेरे खुद के हेयर फॉल देखो यार, मेरा दिल ही नहीं करता लगाने को। देखिए लोगों के मैं लगाती हूँ कि उनके हेयर फॉल बचाती हूँ, और अपना हेयर फॉल होता भी है तो हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं जाके ट्रीटमेंट कर लूँ। और आप लोगों को किसी को चाहिए होगा ना, मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊँगी हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। बस वही आलस लगता है मुझे लगाने का, और कुछ नहीं। अभी भी करके आई हूँ अपने फ्रेंड के। एक दो दिन पहले ना मैंने एक वीडियो डाली थी, पता मुझे किसी ने मैसेज किया, पहले अपना घर साफ कर लो फिर वीडियो बनाना। पता देखो, घर देखो पहले यार, पहले पूरा साफ है, कोई चक्कर नहीं, एकदम साफ सुथरा सब कुछ है। पता कई लोगों को ना ऐसे लगता है, आपको पर एक बात बताती हूँ आपको, कि जिनके घर में बच्चे होते हैं ना उनके घर में खलारा पड़ता ही पड़ता है। ये नहीं है कि हम उसको सुबह सफाई करते हैं, ठीक है, दोपहर तक सफाई रहती है जब तक बच्चे नहीं आते। जब बच्चे घर में आ जाते हैं तो वो माओं को दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि उनके घर में खलारा पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको चीज़ दिखाते हैं कि ये देखो, ये ड्रो है, ठीक है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों ये पसंद नहीं है, देखो ये इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें बिखरी हुई है। मैं इसको क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं इसको सुबह सेट करती हूँ, ठीक है, मतलब सुबह सेट करूँगी, 10 मिनट बाद आयशा आएगी, पूरा बिखेर देगी, फिर मैं उसे सेट करूँगी, फिर उसने सुबह जाना होता है स्कूल, उसके बाद फिर इधर उधर चीज़ें हाथ मारेगी, फिर बिखेर देगी। मतलब के सेट कर, हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें 2 भाई,
तो हमारी जो मम्मी है ना, वो क्या, जब हम छोटे थे तो मैं सोचती थी यार ये मतलब ऐसी चीजें बीच बीच मम्मी कैसे छोड़ देती है, पूरा एक एक चीज क्यों नहीं साफ करती। अब पता चलता है मेरी मम्मी तो क्या करती है, सारी चीजें इकट्ठी करके ना हमारे बैग में डाल देती, स्कूल ही ले जाओ। अब मैं क्या करती हूँ, जब आयशा की मैं चीजें, यार मैं सेट करती रहती हूँ, मैं वैसी लड़की थी कि मैं हर चीज सेट करके रखती थी, हर चीज। मतलब मेरा भाई ना एक साल बाद भी मेरे पास आता था ना इंडिया से, तो वो कहता था कि यार दीदी मतलब वही चप्पल वही पड़ी है बाथरूम के बाहर, वो भी चेंज नहीं हुई, मतलब हर चीज पिल्लो विल्लो वही वाले, कुछ खराब हिलता ही नहीं था, अपनी जगह से खराब क्या होना था, एकदम परफेक्ट रहता था। अब जब से आयशा हुई है ना, तो एक टूथब्रश भी होता है ना, आज वॉशरूम में पड़ा था कल कहीं और मिलेगा आपको। तो जिनके बच्चे हैं ना उनको समझ होती है कि जो बच्चे होते हैं घर में खिलारा बहुत डालते हैं, माए पागल लोग इतना साफ कर करके थक जाते हैं कि बच्चे नहीं हटते। तो बात ये होती है कि जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में खिलारा पड़ता ही पड़ता है, वो हो ही जाता है। जितनी भी चीजें सीधी कर लो, जो मर्जी कर लो, आते हैं बाहर, मैं तो पोछा मार मारते कभी 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 मैं ये सोचती हूँ यार ये डेली डेली सफाइयां करते, मतलब मैं सफाई कर क्यों रही हूँ खिलारा डालने के लिए। 10 मिनट बाद तो मैं गई, मैं सोफे से गिरने वाली थी या कॉर्नर में बैठी हुई हूँ मैं, तो 10 मिनट बाद तो यहाँ पे वो खिलारा आ जाएगा पूरा, ये स्कूल से आएगी इधर उधर फेंक देगी। मैं तो छोटे छोटे टेडी बियर भी संभाल संभाल के सेट कर करके रखती थी, वो देखो आज बेचारा सामने आज ये पड़ा हुआ, नहीं तो सब कुत्ता कह रही हूँ बिल्ली हमारी खेलती रहती है ये करती रहती है, पर पूरा मैंने फर्श वर्श हर चीज साफ करके रखती हूँ। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्रो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर ना ये इंग्लिश टाइप के लोग हैं भाई, हम लोग हैं कि सब कुछ ढक के रखते हैं ना खिलारा। हमारी किचन भी क्लोज होती है कि किचन इंडिया में है ना क्लोज चाहिए, यहाँ पे किचन भी ओपन किचन होती है, और जो ड्रोज होते हैं ना उनके भी कबर्ड ही नहीं होते, हमारे होते कबड़ के अंदर कोई चीज़ें छुपाने वाली संभाल के रखने वाली लोगों को नहीं दिखाने वाली, वो अंदर को धक्की जाती है और ऊपर से ड्रॉ हो जाता है बंद। यहाँ पे तो उनके ड्रॉ के कवर ही नहीं है, ये तो कवर ही नहीं, सेट ही ऐसे आते हैं, तो बंदा क्या करे फिर, यही सब दिखेगा किचन पे, शीट पे चीज़ें नहीं रखेंगे, क्या करे, चार ड्रो है, चार ड्रो के अंदर अंदर घुसा दूँ मैं, कहाँ डालूँ बता। चार ड्रो जो है उसके अंदर तो मिक्सियाँ आ गई, जो ग्लास आ गए, प्लेटें आ गई, और सब्जियां, क्या सब्जियां कहती हूँ कि नमक मिर्चियों के डब्बे आ गए, तो बंदा क्या फिर बाहर शीट पे ना रखे सामान। तो इसको खिलाड़ा नहीं कहते बच्चे, इसको कहते हैं कि घर में चीज़ें, जो मेरे डैडी कहते थे जो वसे घर में खिलाड़ा पैंदा, जिस घर में लोग रहते हैं ना उनके घर में खिलाड़ा भी पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि खिलाड़ा सिर्फ ऐसे ही पड़ता है, जिन घर में लोग रहते हैं उन घरों में खिलाड़ा पड़ता है। तो आप भी बताइएगा, जरूर आपके घर में भी ये सब होता ही होगा ना। चलिए आज बात करते हैं एलविश यादव की। जी हाँ, एलविश यादव को आया है बहुत गुस्सा। किसके ऊपर? एलविश यादव को गुस्सा आया है दिग्विजय के ऊपर, और क्योंकि आपको पता है कि दिग्विजय ने क्या किया है रजत दलाल के साथ, दिग्विजय ने रजत दलाल को दिया है धोखा। दोस्ती जो होती है ना वो एक अलग सी दोस्ती होती है, और ये जो होता है ना दिखावा, वो दिखावा ही होता है। दिग्विजय जब से घर पे आया तो वो ऐसे हो रहा था कि हाँ रजत दलाल का दोस्त है, भाई है मेरा बड़ा, ये है वो है। सिर्फ एक चाय पत्ती रजत दलाल ने गलती जरूर की कि चाय पत्ती जो है वो उसने दे दी थी विवेन को, और उसके बाद रजत दलाल के ऊपर से विश्वास उठ गया दिग्विजय का। बाहर एलविश यादव बहुत ज्यादा गुस्से हो रहे हैं। जी हाँ, आज के एंटरटेनमेंट में है एलविश यादव, रजत दलाल और लव कटारिया और बिग बॉस। जी हाँ, आपको बता देते हैं एलविश यादव जो है उनको बाहर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कह ही दिया, उन्होंने कहा कि जो मतलब ऐसा इंसान, जो दोगला इंसान है रास्ते पे छोड़ गया, उसके साथ हमारा कोई लिंक भी नहीं है। जी हाँ, एलविश यादव ने ये कहा है, और लिंक नहीं है क्यों, क्योंकि जब दोस्त ऐसे हों कि रास्ते में छोड़ जाएं तो फिर क्या ही कहने। तो दिग्विजय और रजत दलाल के बीच में आपने देखा कल बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी बिग बॉस के घर में। एलविश यादव के जो फैन हैं इवन, उन्होंने भी दिग्विजय को जो है अपना साथ देना बंद कर दिया है, और लव कटारिया के जो फैन हैं उन्होंने भी दिग्विजय को बंद कर दिया है उनको सपोर्ट करना। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि रजत दलाल और एलविश यादव खड़े थे दिग्विजय के साथ, क्योंकि ये सारे फ्रेंड्स हैं। अब दिग्विजय ऐसे करेगा तो कौन साथ देगा? तो जिताया तो रजत दलाल ने ही है दिग्विजय को, जो घर का टाइम ऑफ गॉड बनाया है वो रजत दलाल ने बनाया है। इवन के कल ये कहता हुआ नजर आया कि अपना दिमाग लगा।
तो एलविश यादव को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं की लगी कि दिग्विजय जो है वो रजत दलाल को ऐसे ले रहा है यार। वो बिग बॉस के घर में साफ पता चल रहा है कि वो उसको ऐसे ले रहा है, जस्ट ठीक है यार, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो उसको उसने वैसे भी बोल दिया है कि मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बड़ा भाई इस घर में कोई नहीं है। उसने ये लव स्पेशली कहा इस घर में बड़ा भाई और गॉड कोई भी नहीं है मेरा। बड़ा भाई तो फिर रजत दलाल को लगेगा ही ना, मैं बड़ा भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं इसकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसे कह रहा है। पहली बार बिग बॉस के घर में जो निराशा वाला फेस है ना वो रजत दलाल का देखने को मिला। जी हाँ, एलविश यादव ने ले लिया है फैसला कि ये हमारे ग्रुप में नहीं रहेगा और हम लोग इसे सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही लव कटारिया के जो फैन हैं वो इसे सपोर्ट करेंगे। तो छोटा सा मेरा व्लॉग था, आपको कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। कोई भी नाराज मत हो, मैं आपको बता देती हूँ यही है कि व्लॉग और एंटरटेनमेंट का चैनल है, अदर व्लॉग होता है और एंटरटेनमेंट होता है, और घर जो है भाई वो सबके ऐसे ही होते हैं। तो हमारा तो बहुत ही प्यारा है दुबई में, देखिए बहुत ही प्यारा सा घर है हमारा, तो शुक्र करना चाहिए जो भी है। तो खिलाया तो भाई मेरे से ज़्यादा बहुत लोग डालते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। बने रहे सिमरन के साथ, मैं हूँ सिमरन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।